नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार का कहर चरम पर है। लगातार डेंगू और वायरल के मरीज सामने आ रहे हैं। अस्पतालों की हालत इस कदर बिगड़ चुकी है कि लोगों को बेड तक नहीं मिल रहे हैं। डेंगू के संक्रमण को देखते हुए हमारे संवाददाता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के पास पहुंचे, जहां पर उन्होंने अस्पतालों की सही रिपोर्ट जानी। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में डेंगू का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार डेंगू और वायरल के मरीज सामने आ रहे हैं। हालात ये हो चुके हैं कि अस्पतालों में बेड फुल हैं और मेडिकल स्टोरों में लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। राजधानी लखनऊ में भी हालात काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। बीते दिनों हुई भारी बारिश की वजह से संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया है। बीते 24 घंटों की ही बात करें तो राजधानी में 26 मरीज डेंगू के पाए गए हैं। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में 1000 के करीब मरीज इलाज के लिए पहुंचे। अब आप आंकड़ों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर बद से बदतर हो चुके हैं। राजधानी के हालातों के बारे में जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एसके नंदा के पास पहुंचे, जहां उन्होंने डेंगू के बारे में विस्तार से जानकारी दी। राजधानी लखनऊ में डेंगू और वायरल फीवर का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज ही सर्वाधिक पेशेंट 26 निकल के सामने आए हैं। ऐसे में लोगों को किस तरीके की सावधानियां बरतनी चाहिए, या उन्हें डेंगू या वायरल फीवर होता है तो उसके बाद का क्या उपचार है, ये इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एसके नंदा जी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की लोगों को सावधानियां बरतनी चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जानना चाहूंगा कि जो लोगों को डेंगू और वायरल फीवर हो रहा है, इसमें किस किस तरीके सावधानियां बरतनी चाहिए। डेंगू और वायरल फीवर की जहां तक बात है, तो ये बारिश के बाद में डेंगू फीवर और वायरल फीवर फैलने की ज़्यादा आशंका रहती है। सितंबर अक्टूबर के महीने इसके लिए खासतर इसलिए होते हैं क्योंकि इस समय मौसम में टेम्परेचर का काफ़ी वेरिएशन होता है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। टेम्परेचर कभी बहुत मतलब घटता बढ़ता रहता है और साथ में ह्यूमिडिटी की वजह से वायरस पनपने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और इसलिए वायरस फीवर वायरल फीवर होता है। डेंगू इसलिए होता है कि वो मच्छर से वेक्टर जनित रोग है, तो मच्छर से बचाव रखना चाहिए। मच्छर से बचाव रखने के लिए तो ये है कि भाई सबको बताया जाता है, मीडिया के थ्रू आप लोग भी बताते हैं और वैसे भी सरकार की तरफ से भी प्रचार प्रसार सब किया जाता है कि मच्छरों से बचाव रखें। मच्छरों से बचाव के क्या क्या तरीके हैं वो भी बताया जाता है। डेंगू का मच्छर जो है साफ पानी में पनपता है और ज़्यादातर बहुत ऊंचा आता है, नहीं उड़ पाता है, ये मनुष्य के लेवल तक ही रहता है, मतलब कमर तक ही ज़्यादातर काटता है ये। और दूसरी चीज़ ये है कि इसके बचाव के लिए पानी को भरने ना दें, इकट्ठा ना होने दें, कई दिन से 2-3 दिन से ज़्यादा कहीं पानी रखा है तो उसको हटा दें। और मच्छरदानी का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है इसमें, जहाँ पे लोग मच्छर से ज़्यादा जहाँ पे मच्छर ज़्यादा हैं और वैसे भी ज़्यादा हो चाहे कम हो, मच्छर तो काटेगा तो होगा ही, तो ऐसे में मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग अवश्य करें। सर, इस समय ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में वायरल फीवर या डेंगू के लक्षण निकल के सामने आ रहे हैं, तो बच्चों को किस तरीके से बचाव? जहाँ तक हमारे चिकित्सालय का संबंध है तो बच्चों में जो आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेंगू के पेशेंट नहीं आ रहे हैं हमारे यहाँ, वायरल फीवर के आ रहे हैं तो 10-15 करके पेशेंट आ रहे हैं। और इसके जो बाकी एडल्ट जो हैं, मतलब 18 साल से ऊपर या 12 साल 14 साल से ऊपर जो बच्चे हैं या बड़े हैं, उनमें करीब 70-80 पेशेंट आ रहे हैं वायरल फीवर के, जिसमें अगर डेंगू के थोड़े भी लक्षण होते हैं तो हम लोग जाँच करवाते हैं। जैसे कि कल 57 मरीजों की जाँच कराई गई डेंगू के लिए,
हमारे यहाँ कार टेस्ट हो रहा है, तो कार टेस्ट जब 57 लोगों का कराया गया तो उसमें से 5 पॉजिटिव आए। उन 5 पॉजिटिव में 4 मेल थे और 1 फीमेल थी। तो ये रेशियो हमारे यहाँ जा रहा है। और भर्ती के जहाँ तक देखा जाए तो 3-4 दिनों में जो भर्ती हुए हैं वो हमारे पास 4 मरीज हैं और वो एडमिट हैं, उनको उनका उपचार चल रहा है और काफ़ी ठीक है। एक दो करके इससे पहले भी आते रहे हैं और ठीक होके जा चुके हैं। सर, इस समय जो वायरल फीवर चल रहा है इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है, कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में किस तरीके से खान पान का ध्यान रखना चाहिए, या जो डेंगू के पेशेंट हैं उनका खान पान किस तरीके से ध्यान रखा जाए तो जल्दी रिकवर होगा? डेंगू जब हो जाता है तो हमेशा चिकित्सक से सलाह लेना चाहिए, अपने आप तो कोई दवाई नहीं चलानी चाहिए। और वायरल फीवर है, अगर वो वायरल फीवर निकलता है तो उसके लिए डॉक्टर से तब भी सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही खाना पीना से लेकर दवाई से जो भी है वो उनके अपने आप से कोई चीज़ ना लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये हमारे साथ बात करने के लिए मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एसके नंदा जी थे, जिन्होंने बताया कि डेंगू और वायरल फीवर के पेशेंट निकल के सामने तो आ रहे हैं, लेकिन उनसे बचने के क्या उपाय हैं और क्या सुरक्षा क्या जो है उपाय किए जाएँ जिससे बच सकते हैं, और अगर डेंगू होता है तो सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें और उसके बाद ही आगे का अपना इलाज जारी रखें। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस के नंदा ने राजधानी के ताजा हालातों पर जानकारी दी, वहीं डेंगू से लोग किस प्रकार से बचाव करें इसके बारे में भी सलाह दी। वहीं राजधानी में जिस तरह से डेंगू का डंक देखने को मिल रहा है, ऐसे में सवालों के घेरे में सीधे तौर पर नगर निगम आ रहा है। लगातार आरोप लग रहे हैं कि नगर निगम की लापरवाही की वजह से ही डेंगू का प्रकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में प्राइम टीवी की टीम महापौर संयुक्ता भाटिया के पास पहुंची और उनसे नगर निगम के जरिए किए जा रहे कामों के बारे में भी जानकारी ली। राजधानी लखनऊ में डेंगू और वायरल फीवर का कहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों हुई बारिश के चलते कई जगह जलभराव हो गया, जिसके कारण डेंगू ने एक बार फिर से तेजी पकड़ ली है और वायरल फीवर भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में कई पेशेंट निकल के सामने आ रहे हैं। आज की बात की जाए तो आज लखनऊ में सर्वाधिक 26 पेशेंट सामने आए हैं। ऐसे इस पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ महापौर संयुक्ता भाटिया जी, हम उनसे बात करते हैं कि नगर निगम के द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं डेंगू और वायरल फीवर से निपटने के लिए। मैम, नगर निगम की तरफ से पहले तो जहाँ जहाँ जल भराव है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, वहीं जल भराव होता है, नहीं तो हमारे नाला, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ थी इस बार कि जितने बड़े नाले हैं उतना ही पानी खींच रहे थे और जल बारिश कहीं उससे ज़्यादा हो रही थी, लेकिन जहाँ बारिश रुकी उसके बाद से नालों से पानी निकल कर जल भराव नहीं रहा, ख़त्म हो गया। लेकिन जहाँ पर नाले की स्थिति नहीं थी, पानी निकलने लायक नहीं था, वहाँ पर कुछ जगह पर ऐसी स्थिति थी जहाँ पर नाले में पानी नहीं जा सकता था, तो वहाँ का पानी पंप के द्वारा खींचकर उसको बाहर कर दिया गया है। इस समय पर पूरा प्रयास है कि कहीं जल भराव ना हो। और नगर निगम की रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? रोकथाम के लिए हमारे यहाँ गाड़ियाँ चल रही हैं, बराबर फॉगिंग वाली गाड़ियाँ चल रही हैं, साइकिलों से भी उस पर छिड़काव किया जा रहा है, एंटी लार्वा का छिड़काव साइकिल के माध्यम से और गाड़ियों के माध्यम से। सुबह हमारी गाड़ियाँ एक लाइन से पूरी गाड़ियाँ एक साथ निकलती हैं। इस समय गाड़ियाँ हमने रोस्टर बना दिया हर वार्ड में, हमारे पार्षद 110 वार्ड है, 110 वार्डों में हमने रोस्टर बनाया है कि किस दिन किस वार्ड में कौन सी गाड़ी रहेगी, और एक हफ्ते में दो बार हर पार्षद के क्षेत्र में गाड़ी रोस्टर तय है। उसके बावजूद अगर पार्षद वहाँ से कहीं ज़्यादा ज़रूरत पड़ती तो साइकिल के माध्यम से, जो जहाँ छोटी गलियाँ हैं बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती, साइकिल के माध्यम से एंटी लार्वा का छिड़काव करा रहे हैं। और एक हमारे यहाँ से गाड़ी चल रही है जो प्रचार कर रही है कि हमें किस तरह से कहीं पानी का जमाव नहीं होना चाहिए, चाहे कूलर का पानी हो या गमले का पानी हो, लोगों को जागरूक करने का भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग। हमारे पार्षद भी अपने यहाँ इस बात के लिए पूरी तरह से चिंतित हैं और वो इस बात के लिए लोगों को बता रहे हैं कि पूरी बांह के कपड़े पहने और पानी का भराव, जल भराव कहीं ना हो। अगर कहीं जल भराव सड़कों पर है तो उसकी सूचना वो देते, अगर देते हैं तो हम उसको पंप से निकाल देते हैं। इस समय जल भराव कहीं पर भी नहीं है, एक बारिश के बाद जो पानी निकलना था अपने आप से वो निकल चुका है
और बाकी पंप के द्वारा निकाला जा रहा है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि डेंगू काफी समय से फैला हुआ है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है, तो ऐसा कहाँ पे कमियां छूट रहे हैं जिसकी वजह से डेंगू लगातार बढ़ता जा रहा है? डेंगू वैसे सफाई की व्यवस्था भी हम लोग पूरी तरह से लगे हैं कि सफाई व्यवस्था ठीक सुचारू रूप से हो। इको ग्रीन हमारे यहाँ ठेका दिया गया, उसको हम लोग पूरी तरह से उसको इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो कहीं कूड़ा ना रहने दे। लेकिन जो डेंगू के मच्छर हैं वो कूड़े करकट पे ना होकर ये पानी में ज़्यादा रहते हैं, तो पानी का विशेष रूप से सफाई व्यवस्था भी देखी जा रही है और पानी का विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। और दूसरा फॉगिंग और एंटी लार्वा, यही दो हमारे पास इलाज हैं, और एक दवा भी बांटने का वो स्वास्थ्य विभाग का काम है, नगर निगम नहीं, स्वास्थ्य विभाग उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी इसलिए पूरी तरह से सक्रिय हैं, वो पूरी तरह से उन्होंने इसकी व्यवस्थाएं कर रखी हैं और हर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को इसकी दवा बांटने के लिए भी उन्होंने कहा है और उसके द्वारा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा भी कुछ कार्य किए जा रहे हैं। लेकिन नगर निगम का जो कार्य है एंटी लार्वा और फॉगिंग का काम है, सफाई का काम है, वो नगर निगम उसमें पूरी तरह से लगा हुआ है और कहीं भी प्रयास कर रहा है कि इस तरह की व्यवस्था ना हो। राजधानी लखनऊ का ही एक क्षेत्र है फजुल्लागंज, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जल भराव है और हर साल वहाँ पर जल भराव होता है और हर साल जो भी संचारी रोग होते हैं सबसे ज़्यादा फजुल्लागंज में ही फैलते हैं और वहाँ पर अभी जल भराव की समस्या का निजात नहीं मिल सका है लोगों को। तो मैंने कल ही जाँच कराई है, फजुल्लागंज में कहीं भी पानी इस समय नहीं है। एक जगह कोई हॉस्पिटल के पास पानी है जहाँ नाली के द्वारा पंप के द्वारा खींचकर पानी नहीं डाला जा सकता, क्योंकि वो एक जैसे प्लॉट टाइप का होता है, इस तरफ का गड्ढा है, तो उसका पानी अगर खींचकर हम डालेंगे दूसरी जगह तो कॉलोनी में पानी जाएगा, इसलिए उस जगह को छोड़कर और कहीं भी इस समय जल भराव की स्थिति नहीं है। मैंने हमारे कर्मचारी पूरी तरह से इसमें लगे हुए हैं। अभी पहले भी मैंने आपको बताया कि जहां हमारे नालों के द्वारा जो पानी जाना था वो निकल चुका है और पूरी जगह अपने आप सूख गई है बरसात जल भर पानी के बाद, लेकिन जहाँ पर पंप लगाने की आवश्यकता थी वहाँ भी पंप लगा दिए गए हैं। फजुल्लागंज की आपने बात की, फजुल्लागंज में हम लोग विशेष रूप से, क्योंकि वहाँ पर कई बार बीमारी फैल चुकी है, इसलिए वहाँ पर विशेष रूप से इस बात का ध्यान दिया जाता है। और कल मेरे पास इसकी रिपोर्ट मिली थी कि किसी हॉस्पिटल के पास कोई जगह है जहाँ पानी का जल भराव रहता है, मैंने तुरंत वहाँ टीम लगा दी थी और वो टीम खाली उस जगह को छोड़कर जहाँ पंप लगाकर भी पानी नहीं फेंका जा सकता, बाकी सब जगह जल भराव खत्म हो चुका है। और अगर आपकी नॉलेज में कहीं कोई स्थान ऐसा हो तो आप मुझे बताएंगे, उस पर भी हम लोग तुरंत उसको जानकारी मिल जैसे भी मुझे मिलती है, कहीं किसी कोई शिकायत करता है तो तुरंत हमारी टीम वहां पर जाती है और अगर वहां पानी होता है तो उसको तुरंत निकालने का काम करती है। फजुल्लागंज एक ऐसा स्थान है जहां पर अनियोजित लोगों ने मकान बना रखे हैं, गड्ढा है, सड़क ऊंची है और नीचे का हिस्सा है, इसलिए परसों फजुल्लागंज गया था, स्टोरी की मैंने वहाँ से, पानी तो इतना ज़्यादा था कि लोग जो है नाव डाल के अपने घर आ जा रहे थे। उसके बाद अभी आपने बताया कि वहाँ की समस्या का समाधान किया गया है, हाँ, और लेकिन अभी तो वहाँ पर लोगों का कहना है कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं या जो आते हैं वो सड़क थी वापस चले, लोगों की समस्या जहाँ वहाँ तक नहीं पहुँचते, और दूसरी चीज़ उनका कहना है कि कॉलोनियाँ अवैध हैं तो हम बिजली का बिल देते हैं और नगर निगम का भी टैक्स पे करते हैं सारी चीज़ें। नहीं, ये तो अवैध कॉलोनी जो बंदे के किनारे किनारे लोगों ने कब्जा कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग उनकी समस्या का, क्योंकि समस्या अगर कोई बीमारी फैलती है तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह से कोशिश करते हैं चाहे वो वैध हो या अवैध हो। तब फजुल्लागंज में अगर अवैध कॉलोनी है तो भी हम लोग वहाँ पर इस कार्य को करते हैं कि लोग बीमार ना पड़े, लेकिन बहुत कभी कभी जल भराव का कारण ये भी होता है कि लोग जमीन पर कब्जा करके मकान बना लेते हैं, वो स्थिति वो अलग बात है, लेकिन जब बीमारी की बात है तो बीमारी में चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो हम लोग उस वहाँ पूरी तरह से काम करते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं, कल ही मैंने शाम को रिपोर्ट लिया हमारे अधिकारियों से, हमारे जोनल अधिकारी ने हमें रिपोर्ट दी है कि फजुल्लागंज द्वितीय में एक स्थान छोड़कर कहीं भी इस समय पानी नहीं है। ये हमारे साथ बात करने के लिए महापौर संयुक्ता भाटिया जी, जिन्होंने बताया कि लोगों को लगातार डेंगू और वायरल फीवर से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है और नगर निगम के द्वारा एंटी लार्वा और का छिड़काव भी कराया जा रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, जहाँ पर जल भराव है वहाँ पर जल भराव खत्म किया जा रहा है और लोगों को भी ये इस चीज़ के बारे में संदेश दिया जा रहा है कि आगे से कहीं जल भराव ना होने पाए, लोग खुद जागरूक रहें। महापौर ने साफ कर दिया है कि राजधानी में लगातार डेंगू की रोकथाम के लिए नगर निगम के प्रयास जारी है, जल जमाव की समस्या का निदान किया जा रहा है।
एक आपके आपके चैनल के माध्यम से मैं एक जनता को संदेश देना चाहती हूँ कि जहाँ पर हमारी नाले को हम कवर करते हैं कि वहाँ मच्छर ना हो, लोग उसमें गिरे नहीं, बड़े बड़े नाले हैं उसको हम इतना पैसा खर्च करके अगर हम उसको कवर करते हैं, लोग उसके उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं, या तो वहाँ ठेले लग जाते हैं या फिर उस पर दुकानें लग जाती हैं। तो कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि नाला साफ करने में भी दिक्कत होती है और बीमारी फैलने की आशंका उसमें ज़्यादा रहती है। तो आप सबको हम नगर निगम अपनी तरफ से पूरा कार्य कर रहा है, सफाई व्यवस्था को पूरी तरह से देख रहा है, एंटी लार्वा का छिड़काव करा रहा है, जागरूकता का भी प्रचार कर रहा है, जागरूकता के लिए भी पूरी तरह से अपने अपने पार्षदों के माध्यम से जागरूकता का अभियान भी चला रहा है। लेकिन आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी जगह पर कब्जा ना करें जिससे नाला कवर हो जाए और नाले की सफाई ना हो पाए। बहरहाल जिस तरह से युद्ध स्तर पर राजधानी में बीमारी के नियंत्रण के लिए प्रयास हो रहे हैं, ऐसे में राजधानी डेंगू के कहर से कब बच पाएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए अश्विनी त्रिवेदी की रिपोर्ट।